अब इसको तो मैंने निपटा दिया, लेकिन उतना ही मुझे जादुई चटाई की आवाज आई। तो और मेरे भाई लोग, क्या हालचाल है यार? तो यार, आज के इस गेम प्ले में जो आपको क्लच देखने को मिलेंगे, मतलब देख के आपको अलग ही लेवल का मजा आएगा। बोलोगे फौजी भाई ये क्या दिखा दिया यार, ये भी हो सकता है क्या नए अपडेट में? तो भैया वीडियो को पूरा देखना, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको मजा टाइप का जाएगा। पर फिलहाल हम लोग उतरे हैं जिन चाचा के इलाके में, तो चलो पकड़ते हैं हर बंदों को। अब उतरते ही एक तगड़ा सा जंप शॉट देके इनको नॉक करता हूँ और फिर सीधा जाके इनकी पेटी बना दी। लेकिन फिर उतना ही मुझे ऊपर से और लेफ्ट से फुरसतें आने लगती है। आप सुन रहे हैं? हेलो हेलो। तो ये लेफ्ट वाले चाचा को तो निपटा दिए, लेकिन ऊपर वाला अभी भी वही मडरा रहा है। ये मैच और बनाए का है, आराम से खेल ले। तो फाइनली इसको भी निपटा दिया था। और फिर जब मैं लूटा लाटी कर रहा था, तभी मुझे सामने से गोलियां चलने की आवाज आती है। तो मैं यहाँ पे आके सामने की तरफ देखता हूँ, उतने ही मुझे नीचे एक नोक बंदा दिखता है। अब ये तो मिल गई भैया फ्री की किल, लेकिन इसको जिसने नोक किया था उसकी फुरसत ऐप मुझे सामने से आती है। तो मैं एक ठो बम बबूरा करता हूँ और तभी पापा की परी होती है बेटी, हवा में नोक हवा में पेटी। यार इसको भी निपटा दिया, लेकिन उतना ही मेरा टीममेट कहता है कि सामने वो ब्रोकन बॉल में एक बंदा बैठा है। तो मैं एक जलती बोतल में आग फेंकता हूँ, लेकिन इससे उसको कुछ ना हुआ। तो फिर मैंने दोबारा फेंका और तभी अब भागे। वो देखो जल गया, कूद गया। बंदे आ गए। अरे भाई बहन जो बांधती है भाई को कलाई पर, वो कोई मामूली धागा नहीं होता। और मैं तुझे मर्द का बच्चा तब समझता जब तू मुझे देख के भागा नहीं होता। तो इस डीबीएस वाले को भी निपटा दिया, और अब बचे थे इस इलाके में ओनली तीन बंदे। तो मैंने सोचा कि सामने वाले घर में जाऊं और वहां से चारों तरफ देखूं, लेकिन जैसे ही मैं पोर्टल का यूज करके यहां आता हूं, उतने में मुझे एक की फुटस्टेप आती है। अब वो सामने की तरफ था, इसलिए मैंने बोला रिस्क नहीं लेते, ऊपर से चलते हैं। पर जैसे ही मैं यहाँ आता हूँ, तो सामने लकड़ी के खड्डे से उसकी फुरसतें आती है। अरे है इसी के पीछे, ओपी। लाइफ में हिलाने की हैबिट डालो, मतलब हिलने की। okay. क्योंकि ये भैया हिल नहीं रहे थे, तो वहीं पे बैठे बैठे इनकी समाधि बन गई। अगर थोड़ा सा भी हिलते डुलते या गोली चलाते, तो हो सकता था कि टक्कर दे देते या भैया मारे ही देते धोखे से। पर चाचा वहीं पे लुके रह गए, शकल भी नहीं दिखाए कि आखिर दिखता कैसा था। खैर बचे हुए दो बंदे तो हमको मिलते नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ से लूटा लाटी करके सीधा इस जहाज में आते है। और तभी मुझे फुटस्टेप आती है। यहाँ मत लेना, ये हमें बंदा रख दे यार, बहुत गंदा। अब एक को निपटा दिया, और मुझे लग रहा था कि ये यहाँ पे अकेला ही है, लेकिन जैसे ही मैं आगे गया एक और है, सामने। मार्क द लोकेशन।
अब वो सामने की तरफ लुक गया तो मैंने बोला चाचा से मुजरा करवाना पड़ेगा। चल जाए। नाच रहा है। तो फाइनली इसको भी निपटा दिया, लेकिन उतना ही मुझे नीचे से बग्गी की आवाज आती है। तो पहले तो हम लोग सतर्क हो गए, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो हमारे आकाश तिवारी गुटखा धारी थे। तो फिर हम लोग रिलैक्स होके यहाँ लूटा लाठी करे और फिर निकल गए सीधा पोचंकी की तरह। और अब जो यहाँ होगा वो अलग ही लेवल का होगा। क्या ही कोइंसिडेंस था भाई, जैसे ही मैं छत में आया तभी वो बंदा मुझे कूदते हुए दिखा। अब इन दो को तो मैंने नॉक कर दिया, लेकिन एक बंदा मैंने लेफ्ट में भी देखा था, तो मैंने बोला चलो भैया सीधा रश करते हैं। अंदर कर दो ना मौली, गैराज में मौली कर दो जल्दी से। चल गया बाहर। अब उस बंदे की फुर्सतैप मुझे सामने से आई तो मैंने एक बम बबूरा किया, पर तभी तेरे ही मोहल्ले में आके तुझे फाड़ के फेंकेंगे, तेरी तरह सहारा लेंगे बंदूकों के ढेर का नहीं। और फौजी चीजें की एक बात याद रखना, इलाका कुत्तों का होता है बहन के टके, शेर का नहीं। तो यार इस सकॉट की भी पेटी बना दी थी और इसी के साथ पोचंकी भी पूरा खाली हो जाता है। तो अगर अभी तक का ये गेम प्ले आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना यार, और सब्सक्राइब के लिए मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि आगे आपको अलग ही लेवल के क्लास देखने को मिलेंगे, तो शायद उन्हें देख के आप खुद ही सब्सक्राइब कर दो। ड्राप के साथ उधर ला के अब मार आप सारे इनका, रुक ले गेट आउट कर दे भाई, चलो भाग रहे हैं पानी में कूदा देंगे पेट्रोल लेंगे अपने में। अब जब मेरे टीममेट ने बताया कि पेट्रोल नहीं है तो फिर भैया मैंने सीधा छलांग लगा दी, लेकिन उतना ही मैं देखा तो वो लोग भी छलांग लगा देते हैं। Watch out. Marked a location. इसे कहा लाए हैं माँ का समय सब भर गया। नाइस ओपी के अलावा कुछ बोलिए जिंदगी में कि बस नाइस ओपी और कुछ सीख ले। ये बात तो बिल्कुल सही कही गुटका धारी ने, बार बार बोई बोई चीज सुन के साला क्रच करने का मन भी नहीं होता। कुछ आप लोग सजेस्ट करो कमेंट में ताकि ये नए नए शब्द बोला करे। फिलहाल इनको निपटाने के बाद मैं यासनाया की तरफ आता हूँ और तभी मुझे नीचे से गोलियां चलने की आवाज आती है, और फिर जब मैंने नीचे देखा तो मुझे एक दो ठो कार भी दिखी। बग्गी में बंदा नीचे रुक गया, अब उस साइड घूम गया था। बहुत नहीं कहा ठीक पहले। अच्छा अभी ऊपर आ रहा है। देर पे भैया बचाओ, मेरे पे बंदा भी। अब मुझे दो नंबर दिखे नहीं रहा था कि आखिर वो है कहाँ पे, लेकिन उतना ही मैंने ये बंदा नॉक किया तो मुझे लगा कि उसने इसी बंदे की बात कही। नहीं
नहीं दौड़ रहा है। लेकिन फिर पता चला कि मेरा दो नंबर टीममेट तो गॉड बिल्डिंग में है और वहाँ पे एक बंदा भी है, तो मुझे लगा कि इन्हीं बंदों का लास्ट टीममेट है, तो उसको मार के सीधा स्क्वाड वाइप करते हैं, इसलिए मैं इनको फिनिश ना करके उनको मारने गया। और फिर कूद गया अंदर गया। अरे नेट किया पकड़ो। अब इसको तो मैंने निपटा दिया, लेकिन उतना ही मुझे जादुई चटाई की आवाज आई। माना फौजी का स्प्रे सस्ता है, पर सस्ते स्प्रे से ही पूरी स्क्वाड को खाएंगे। और जब आए हैं आज एरेंगल में, तो चिकन डिनर लेके ही जाएंगे। प्रार्थना को इंग्लिश में कहते हैं प्रे। कमेंट में बताओ कैसा लगा स्प्रे। फिलहाल यार जिस बंदे को हम लोगों ने गॉड बिल्डिंग में मारे थे ना, वो उन तीनों का टीममेट नहीं था, तो उन तीनों में से एक या दो बंदे की मुझे किल नहीं मिलती, यानी कि भैया वो लोग रिवाइव होके भाग गए। गाड़ी आ गई जल्दी आओ, मेन बिल्डिंग में जाओ अपन, ऊपर चलते। तो गॉड बिल्डिंग के पास गाड़ी आ चुकी थी, तो मैंने ऐसा सोचा कि जब तक वो लोग गाड़ी आड़ी खड़ी करेंगे, तब तक अपन लोग ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से उनको आराम से मार देंगे। पर शायद उन लोगों ने मेरे मन की बात पढ़ ली थी, मेरे सोचते ही वो लोग सीधा ऊपर पहुँच गए। दूर से आए क्या उड़ते उससे? अब इसकी तो डायरेक्ट पेटी बन गई, यानी कि वो ऊपर वाला अलग टीम का है। चलो गए, मैं चल रहा हूं, दोनों अपन मार देंगे तभी तक करते हैं। आ जा तेरे से नेड में ना डांसिंग दम है। अब मुझे लग रहा था कि वो दो हैं, इसलिए मैंने बहुत देर तक नियम कानून से खेला। पर जब मुझे कंफर्म हो गया कि ये अकेला ही है, तो फिर मैं सीधा घुसा और चाचा की पेटी बना दी। फिलहाल उसके बाद ये 1.5 इंच का जोन आ जाता है, तो हम लोग सपाटे में यहाँ से निकलते हैं और सीधा इस तरफ आते हैं, और तभी भैया देखो क्या होता है। ऊपर चढ़े शायद। एक गाड़ी और आई है। अब यहाँ पे एक नहीं दो नहीं, हमें मिला के टोटल तीन टीम थी। सामने अलग टीम है, वो अलग टीम है सामने वाली, ब्रोकन में भी है। बाहर वाली का मारना पड़ेगा। हाँ हाँ, देखिए भैया ओपन मंडिया
एक ही नारा एक ही नाम, बोलो जय जय श्री राम। तो यार एक नेट से दो बंदे फोड़े और अब बचे हैं ये ऊपर वाले। कूदे 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 कूदे। आओ ओपन में हो, यहीं पे है ब्रोकन के। तो फाइनली इस टीम की भी पेटी बना दी और अब बचे थे इस मैच में ओनली दो बंदे। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे काफी देर तक होल्ड करके देखते हैं कि कौन कहाँ पे है, पर जब हमें कोई नहीं दिखता तो फिर मैं अपने टीममेट को जादुई चटाई से आगे की तरफ भेजता हूँ और तभी वो बताता है कि वो बंदे सामने वाले घर में है। कहा था ना आज के गेम प्ले में आपको अलग लेवल के क्लास देखने को मिलेंगे, मिले या नहीं कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल में न हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना और कर देना अपने दोस्तों को शेयर। तो मिलते हैं ककों नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, गुड डे, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।